गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी सर में। आज है 15 दिसंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। 48,000 पदों पर होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। 25 से 28 फरवरी तक होगी परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 और द्वितीय के 48,000 पदों पर विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 2 के विषयवार पद और लेवल 1 के 21,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 से 28 फरवरी तक होगी। 48,000 पदों के लिए आवेदन 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक होंगे। लेवल 2 में बड़े 1500 पद पूरा आप यहां पर देख सकते हैं। जिले के 2.25 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म का इंतजार, अभी तक नहीं पहुंचा कपड़ा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। संभाग में धौलपुर जिला बना सिरमौर, राज्य भर में रहा 11वें स्थान पर। स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी की रैंकिंग। शिक्षा मंत्री का गृह जिला रैंकिंग में 32वें पायदान पर। सर्दी में जल्दी बुला रहे स्कूल, निजी स्कूलों की मनमानी, ननिहालों पर पड़ रही है भारी। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक। आरपीएससी ने एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं, लोकेशन जारी कर दी गई है और प्रवेश पत्र वो 4 दिन पहले वेबसाइट पर है वो देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन ले सकेंगे परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 21 से 8 विषयों के 9,760 पदों के लिए हो रही है परीक्षा। अप्रेटिस के 1760 पदों पर नौकरी के अवसर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली भर्ती, 3 जनवरी अंतिम तिथि। विशेषज्ञ केडर अधिकारी पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। भारतीय स्टेट बैंक में निकली भर्ती। महाप्रबंधक सहित कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। 18 जनवरी है अंतिम तिथि। जिला शिक्षा अधिकारी पदों के लिए आवेदन मांगे 13 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट यहां पर मिलती रहे। बेरोजगारों के लिए नौकरी का गोल्डन चांस, फरवरी में ही परीक्षा की पूरी संभावना क्योंकि फिर बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा विभाग का फैसला, भामाशाहों से भी जुटाएंगे फंड। स्कूलों में अब महिला स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट जरूरी। डीएलएड रिजल्ट के 1.5 माह बाद भी काउंसलिंग नहीं, नतीजा। जिले के 2000 स्टूडेंट्स का एडमिशन अटका। एक शिक्षक की सर्दी की वर्दी मुहिम, 15 दिन में 1000 स्वेटर खरीदकर एक साथ 40 स्कूलों में बांटे। ये कैसी परीक्षा, अनियंत्रक अगस्त में भरे गए पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी नहीं कर सके। मत्स्य यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री और पुनर्मूल्यांकन का पैसा देने को मजबूर हुए छात्र। लापरवाही की यूनिवर्सिटी, नए सत्र की परीक्षाओं के आवेदन मांगे। पिछले सत्र के 1.31 लाख स्टूडेंट्स की मार्कशीट छपी ही नहीं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, रेडिएशन व मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री कोर्स करने के बाद भी छात्रों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। 8 साल में खुले 137 मेडिकल कॉलेज, इनमें बड़ी 44,728 सीट। डीओ है ने सीडीओ, शिक्षा विभाग की रैंक में पिछड़ा कोटा अब 22वें स्थान पर। डीएलएड प्रथम वर्ष के 25,000 विद्यार्थियों की परीक्षा जनवरी में, अगले सप्ताह जारी होगा टाइम टेबल। 19 दिसंबर को पूरा होगा सेशन। भर्ती परीक्षा के कारण एग्जाम जनवरी में। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा जिले आवंटित। 8 विषयों के 9,700
69 पदों पर भर्ती के लिए 21 से 27 दिसंबर तक होगी परीक्षा। लो एंट्रेंस एग्जाम 18 दिसंबर को, लीगल और लॉजिकल रीजनल का सबसे अधिक वेटेज। ये आप यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो ये आप देख सकते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और आज का अच्छा सा सुविचार। जीवन सीखे के दो पहलू की तरह हैं, कभी सुख है तो कभी दुख, जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख हो तो थोड़ा इंतजार जरूर करना। तो इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।